नाउ इसके इस वीडियो में हम देखेंगे कि लास्ट वीडियो में जो हमने वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड किया था, उसको इंस्टॉल किया, अब देखेंगे कि वर्चुअल बॉक्स के लिए काली जो हमें मेन, जिस पर हम अपना पूरा सीरीज डिपेंड कर रहे हैं, वो हमें कहाँ से और किस तरीके से डाउनलोड करना है, किस तरीके से हम उसे इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि काली किस तरीके से हमें लेना है। और काली को इंस्टॉल करने की सबसे बड़ी बात, हम ये ध्यान रखेंगे कि हम मैन्युअली इंस्टॉल ना करके रेडीमेड इमेजेस लेंगे। हम अभी जितना भी लैब क्रिएशन कर रहे हो सारा रेडीमेड इमेजेस के साथ करेंगे। जस्ट गूगल में जाके काली लिंक्स टाइप कीजिए और ऑफिशियल काली लिंक्स डाउनलोड पर आप क्लिक कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट पर चले जाइए आप काली लिंक्स की, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं काली लिंक्स की इमेजेस मिल जाएंगी आपको। तो आप चाहें तो वो इमेजेस ले सकते हैं जो ISO इमेजेस है और उसको मैन्युअली आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसे रेडीमेड इमेजेस ले लीजिए और इन रेडीमेड इमेजेस को आप जैसे चाहे वैसे अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो काली लिंक्स का, आप यहाँ देख सकते हैं कि काली लिंक्स की सारे जो आपके टोरेंट डाउनलोड हैं, आपके HTTP डाउनलोड है, 32 बिट के लिए वर्जनस हैं, 64 बिट के लिए वर्जनस हैं और काली लिंक्स के हर एक टाइप के लिए आपको मिल जाएगा। और काली लिंक्स की जो आपकी, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ काली लिंक्स 64 बिट VMware और काली लिंक्स 64 बिट वर्चुअल बॉक्स, आपको दोनों उसके नीचे वर्चुअल बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो 32 और 64 बिट दोनों के लिए है, तो आप दोनों देख सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ये रेडीमेड इमेजेस ले, जस्ट डबल क्लिक करें और ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा आपके इसमें। तो अभी हम वर्चुअल बॉक्स ले रहे थे, हम वर्चुअल बॉक्स पे क्लिक करेंगे और ये आपको रीडायरेक्ट करेगा ऑफेंसिव सिक्योरिटी की साइट पर। तो आप यहाँ आ जाएं, यहाँ आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे की तरफ आप देखेंगे, यहाँ देख सकते हैं आप काली लिनक्स की जो इमेजेस हैं वो आपको दिखाई दे रहा है VMware के लिए और वर्चुअल बॉक्स के लिए दोनों। तो आप जिस पर क्लिक करेंगे उसकी इमेजेस आपको शो करेगा, जस्ट आपको डाउनलोड करना है और ये बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएंगी। ज़्यादा आपकी नेट स्पीड पर एक्चुअली डिपेंड करता है कि कितना आप जल्दी इसका नेट स्पीड रखते हैं। तो जस्ट क्लिक करें, हमने ये ऑलरेडी इंस्टॉल डाउनलोड करके रखा हुआ है, आपको जस्ट डाउनलोड करना है इसको। आप यहाँ देख सकते हैं 64 बिट और 32 बिट दोनों के लिए VMware की इमेजेस भी हैं और वर्चुअल बॉक्स की इमेज। तो अभी हम वर्चुअल बॉक्स के लिए, तो वर्चुअल बॉक्स के लिए आपकी OVA इमेज आएगी। तो वर्चुअल बॉक्स की इस OVA इमेज को आप यहाँ से इंस्टॉल कर लें। 32 बिट है तो 32 बिट और आपका 64 बिट को सपोर्ट करता है 64 बिट। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, आपको ये जैसे इंस्टॉल कर लेना है ताकि हम आगे फिर इसको डाउनलोड करना है ताकि हम आगे इसको इंस्टॉल कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।